एक क्वेश्चन है, एक बैटरी है और जिसकी ईएमएफ 12 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है, इज टू बी चार्ज्ड बाय अ बैटरी चार्जर। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, चार्ज्ड बाय अ बैटरी चार्जर, क्योंकि ये क्वेश्चन चार्जिंग ऑफ अ बैटरी के ऊपर बेस्ड है। तो इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, अब होने क्या वाला है। सपोज करो, ठीक है, मान लो आपके पास एक बैटरी है, हम न्यूमेरिकल ऐसे करते आए हैं, आपके पास एक बैटरी है प्लस एंड माइनस। वो बैटरी मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, इसकी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी। फिर उसके बाद मैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाता आया हूँ, और फिर मैंने हमेशा, अगर आप जितने भी डायग्राम मेरे चेक करोगे, करंट हमेशा पॉजिटिव से निकालता हूँ और नेगेटिव पे ही ख़त्म करता हूँ, क्योंकि करंट बैटरी के पॉजिटिव से स्टार्ट होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल और माइनस पे ख़त्म होता है एट अ लोअर पोटेंशियल। क्लियर है यहाँ तक? ये करंट निकाल कौन रहा है मुझे ये बताओ, बैटरी? बैटरी अपने में से चार्ज निकाल रही है या चार्ज को हेल्प कर रही है मूव करवाने के लिए? तो ये करंट बैटरी में से निकला। बैटरी अगर ऐसे करंट निकालती गई तो बहुत देर के बाद ये बैटरी खाली हो जाएगी। इसे फिजिक्स में बोलते हैं डिस्चार्जिंग। तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो किसके किए? डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। बैटरी डिस्चार्ज होगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? चार्जिंग। अब हम क्या करने वाले हैं? चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। बैटरी का अपना तो कुछ है नहीं, अब बैटरी क्या करेगी? अब वो अपना करंट देगी नहीं, उल्टा वो क्या करेगी? किसी से करंट लेगी, क्योंकि अगर अपना करंट दे देगी फिर तो डिस्चार्जिंग हो गई, लेकिन अगर लेगी तो उसकी क्या हो जाएगी? चार्जिंग हो जाएगी। कोई डाउट इसमें? अब बैटरी करंट किससे लेगी? अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए, और खराब में क्या होता है, वो बैटरी खत्म हो जाती है, कहीं कहीं वो लाइट ऑन रह गई, तो मैकेनिक आता है, एक और बैटरी लाता है, दो वायर को जोड़ता है। जब दो वायर को जोड़ता है वो क्या बोलता है? भाई पॉजिटिव को पॉजिटिव से लगाइए और नेगेटिव को नेगेटिव से लगाइए, उल्टा मत लगा दियो। तो क्यों? क्योंकि वो अपनी बैटरी की क्या करता है? डिस्चार्जिंग, और आपकी बैटरी की क्या करता है? चार्जिंग, ताकि आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाए। सही है? तो वैसा क्या करता है वो? एक बाहर से, ये आपकी बैटरी है मान लो, ये आपकी बैटरी है, वो बाहर से एक और बैटरी लेके आता है जो इसके साथ ऐसे कनेक्ट करता है। ये रूल होता है कि मान लो आपकी बैटरी का ये प्लस है, ये माइनस है, इसकी बैटरी का ये प्लस है और ये माइनस है। कोई डाउट इसमें? सही है यहाँ तक? अब आपकी बैटरी मान लो, आपकी बैटरी की ईएमएफ E1 है, लेकिन ये जो बैटरी है, या चलो वैल्यू के साथ लिख देता हूँ, आपकी जो बैटरी है वो मान लो 10 वोल्ट की बैटरी थी, 10 वोल्ट की बैटरी थी, जो बाहर से बैटरी आई वो 12 वोल्ट की बैटरी है। थोड़ी बड़ी बैटरी चाहिए चार्ज करने के लिए, कमज़ोर बैटरी तो कैसी चार्ज करेगी या कम चार्ज करेगी, तो मैंने बड़ी वैल्यू ले ली वैसे। हाँ, नहीं कनेक्ट तो कोई भी कर सकते, वो प्रॉब्लम नहीं है कोई, तो 12 वोल्ट की बैटरी ले ली। अब 12 वोल्ट की इसलिए ली, बड़ी बैटरी क्यों ली, इसका आंसर भी दे रहा हूँ मैथमेटिकली, क्योंकि दो बैटरी जब कनेक्टेड हैं, ये बैटरी कहती है करंट में बाहर निकाल लूंगी, कहाँ से? अपने पॉजिटिव से। ये कहती है करंट में बाहर निकाल लूंगी, कहाँ से? अपने पॉजिटिव से। कौन जीतेगा? जिसकी ईएमएफ बड़ी है, और ऑब्वियसली मैं चाहता भी हूँ वो जीते, क्योंकि बड़ी छोटी को कंट्रोल करेगी, छोटी बड़ी को कंट्रोल करेगी, जो पहली खाली पड़ी है वो कैसे कंट्रोल करेगी? तो यहां से करंट निकलेगा आई, बड़ी बैटरी, ये क्या है बेसिकली, ये चार्जर बोल सकते हैं, दिस इज अ चार्जिंग बैटरी, ये बेसिकली चार्जिंग बैटरी है जो मेरी अनचार्ज बैटरी को क्या करने वाली है? चार्ज। करंट निकालेगी और इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट को एंटर करवाएगी। पहली निशानी कि कोई बैटरी चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है, उसकी पहली निशानी एक है, देखते ही पता लग जाता है अगर बैटरी में से करंट बाहर निकल गया तो डिस्चार्जिंग है। बैटरी में से, पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट बाहर निकल गया तो पक्का डिस्चार्जिंग है, और अगर किसी बैटरी के पॉजिटिव में करंट एंटर कर गया तो पक्का चार्जिंग है, तो ये बैटरी की चार्जिंग हो रही है।
लेकिन इस बैटरी की क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है। अब ठीक है ना, एक डिस्चार्ज होगा तो दूसरा चार्ज होगा, कोई डाउट इसमें? लॉजिक क्लियर है? तो कैसे पता लगता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग? पॉजिटिव टर्मिनल में अगर करंट एंटर करेंगे तो वो चार्जिंग है, कोई डाउट इसमें? वो बाद में देखेंगे, वो वैल्यू बाद में देखेंगे, कुछ और सिखाना है पहले, एक मिनट। वो वैल्यू क्या होगी, ईएमएफ की बात है, वो आपको वैल्यू दूंगा, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताता हूं उनको। यहां तक क्लियर है? तो कैसे देखना है चार्जिंग डिस्चार्जिंग, समझ में आ रहा है? अब दूसरा रूल, इसके अंदर जब हम क्या करते थे, डिस्चार्जिंग करते थे, तो मैं आपको बोलता था कि बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है, तो ऑब्वियसली इसकी भी तो होगी। तो मैं आपको ये बोलता था कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब इस बैटरी में से करंट बाहर निकला तो ये बैटरी बेचारी क्या करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी, ये अपनी ईएमएफ इसको नहीं दे पाएगी, ये ईएमएफ की बजाय क्या देगी, आई इंटू आर। क्या ये स्टेप क्लियर है? जब इस बैटरी की क्या होगी, डिस्चार्जिंग होगी, जब ये खाली होगी तो आप इसे कहोगे कि अपना ईएमएफ दे दे, ये नहीं देगी, ये 10 वोल्ट से कम देगी, क्योंकि इसमें से आई इंटू आर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, कम हो रहा है, सही है? लेकिन इमेजिन करो यहां करंट की डायरेक्शन कहां है, लेफ्ट है, लेकिन यहां करंट की डायरेक्शन राइट है, यहां पे भी बाहर जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी वो ई नहीं आएगी, वो ई प्लस आई आर आएगी, क्योंकि करंट ने अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया, चेंज। क्योंकि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो आपकी इस बैटरी ने डेवलप नहीं किया, वो तो बाहर की बैटरी ने उसके अंदर डेवलप करवा दिया, वो ये तो बेचारी कुछ कर नहीं रही, वो तो जो कर रही है बाहर की बैटरी कर रही है, तो बाहर की बैटरी करती है, तू मेरे को क्या देगी, ले पकड़ मेरे से पोटेंशियल पकड़, कितना, वो कहती है मेरी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो तू जब मेरे को पोटेंशियल देगी तो मेरा कुछ पोटेंशियल तो खराब होने वाला है, तो कहेगी चिंता ना कर मेरी वैल्यू बड़ी है, तो जो तेरी वेस्टेज है तू बता। वो कहते जब तू मुझे करंट देगी ना, अगर तूने मेरे को मान लो छोटा करंट दे दिया और कमज़ोर बैटरी यूज़ कर ली, तो कमज़ोर बैटरी से इसको चाहिए था मान लो 10 वोल्ट, कमज़ोर बैटरी ने सिर्फ 2 वोल्ट क्रिएट किया, वो कहती है 2 वोल्ट तो मेरे अंदर ही रेजिस्टेंस में डेवलप हो जाएगा, तो कम से कम मुझे 2 वोल्ट से तो ज़्यादा ही चाहिए। तो ये बैटरी क्या पूछेगी, तेरे को कितना चार्ज होना है, वो कहती है 10 वोल्ट चार्ज होना है, तेरी वेस्टेज कितनी है इंटरनल रेजिस्टेंस में 2 वोल्ट की, तो ठीक है एक्सटर्नल कहेगी मैं तेरे को 12 वोल्ट दूंगी, 2 तू खराब कर दियो अपने अंदर, 10 की तो चार्ज हो जाइयो। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कहने का मतलब कि जब आप इसको चार्ज करेंगे, टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज़्यादा करना पड़ेगा बाहर की बैटरी को, क्योंकि ये इसके अंदर खराब होने वाला है पोटेंशियल, जो दिखाई नहीं दे रहा किसी को। तो समझ में आ रहा है? न्यूमेरिकली अगर मैं समझाऊँ, न्यूमेरिकली मान लो 10 वोल्ट रिक्वायरमेंट थी इसकी और 2 वोल्ट खराब होने वाले हैं, इसको पता था बैटरी को, तो ये बाहर से कितना मांगेगी, 12 मांगेगी। क्यों? क्योंकि 2 तो खराब होने वाला है, अगर तुम सिर्फ 2 दे दोगे तो 4 तो छोड़ो, ये प्लस और माइनस का एक डॉट भी नहीं लगाएगी, वो कहेगी 2 तो खत्म हो गया मेरा, ऐसे ही तुमने जो दिया वो इंटरनल रेजिस्टेंस ही खा गया, तो मेरे टर्म में तो कुछ ना मिला, तो कम से कम उससे ज़्यादा दो मुझे। तो इसीलिए डिस्चार्जिंग के अंदर साइन माइनस लगता है, चार्जिंग के अंदर साइन प्लस लगता है। फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर कर लो, फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर कर लो, लिख लेना डिस्चार्जिंग के अंदर जब न्यूमेरिकल आएगा ये फॉर्मूला, और चार्जिंग के अंदर ये फॉर्मूला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है यहां तक?
चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या फॉर्मूला कब लगेगा क्लियर है। अब देखो, अब ये बात समझ में आएगी आपको, अब सारी इसकी लैंग्वेज समझ में आती है कैसे। वो कहता है बैटरी जिसकी ईएमएफ कितनी है 12 वोल्ट, देख रहे हो ये 12 वोल्ट है प्लस और माइनस, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 0.5 ओम। तो कई बार कई बुक्स इंटरनल रेजिस्टेंस को यहां बनाने की बजाय साइड पे बनाती हैं, तो ये बस सोचना कैपिटल आ रहा है, इसके पड़ोस में रेजिस्टेंस इंटरनल होती है इसकी। आगे इज टू बी चार्ज बाय अ बैटरी चार्जर, ये रहा बैटरी चार्जर जिसकी सप्लाई कितनी है 110 वोल्ट। हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी, मैं कितनी रेजिस्टेंस कैपिटल आर सीरीज में लगाऊं ताकि करंट पूरे सर्किट में सिर्फ 5 एम्पियर ही रहे, बस ये क्वेश्चन है। तो करंट कितना रहे 5 एम्पियर। अब इस क्वेश्चन में कई लोग पूछते हैं कि सर कैपिटल आर लगाने की जरूरत क्या है इसको, मतलब क्यों लगाते हैं कैपिटल आर। सोचो आपने कैपिटल आर कमजोर लगा दिया, वीक है, छोटा है, तो तुम्हारा सर्किट में करंट बढ़ जाएगा। अगर सर्किट में करंट 5 एम्पियर से बढ़ गया, हीटिंग अफेक्ट से ये खराब हो जाएगा, आपकी बैटरी फूक जाएगी क्योंकि ज़्यादा करंट ये टॉलरेट कर नहीं पाएगी। तो इसीलिए करंट को लिमिट करना ज़रूरी है। तो करंट वो कहता है मुझे 5 एम्पियर ही चाहिए, तो बोलो कैपिटल आर कितना लगे, ये क्वेश्चन है। इस टाइप की प्रॉब्लम में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इस टाइप की प्रॉब्लम में आपको ये प्लस माइनस गिवन नहीं होगा, बस बैटरी चार्जर की डिब्बी गिवन होगी। तुम्हें खुद डिसाइड करना है प्लस एंड माइनस कैसे। फोटो देखते ही पता लग रही है कि ये बैटरी की चार्जिंग हो रही है क्योंकि करंट इसके पॉजिटिव में एंटर कर रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इस बैटरी की चार्जिंग हो रही है, तो फिर किसकी डिस्चार्जिंग हो रही है? ऊपर वाले की डिस्चार्जिंग हो रही है। ऊपर वाले डिस्चार्जिंग का मतलब ऊपर वाला अपने अंदर से करंट बाहर निकालेगा, तो किस टर्मिनल से निकालेगा, प्लस की माइनस? प्लस से। तो ये टर्मिनल प्लस और ये माइनस, क्योंकि प्लस से करंट बाहर निकलेगा। आप देखो कॉन्सेप्ट कहां कहां छुपा हुआ है क्वेश्चन में, पॉइंट समझ में आ रहे हैं? कितनी बारीक चीजें हैं जो डायग्राम से कितनी क्लैरिटी दिखा रही हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है आपने। समझ में आ रहा है? मतलब एटलीस्ट मैं तो ऐसे ही करता हूं, मुझे पता नहीं बुक्स कैसे करती होंगी, बट इस तरीके से मेरे को सही लगता है। तो बहुत चीज़ें मैं डायग्राम से ही प्रेडिक्ट कर लेता हूँ कि ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये ऐसे होगा। हालांकि बुक्स इसमें ऐसा कुछ करती नहीं है, बुक्स आपको एक फॉर्मूला बताती हैं इसका क्वेश्चन निकालने का, मैं कोई फॉर्मूला बताऊंगा नहीं। मेरे पास एक लॉ है, जब दो बैटरीज एक सर्किट में लग जाए, मेरे को तो फॉर्मूला लगाते हुए डर लगता है, वो तो लगाता ही नहीं क्योंकि मेरे को ये टेंशन हो जाती है कौन प्लस कौन माइनस का ध्यान रखेगा। तो मैं तो किरचॉफ लॉ लगा देता हूँ, लूप बन गया, लगाओ किरचॉफ लॉ, लो यहां से स्टार्ट होके वापस यहीं पे आना है, बोलो क्या लगेगा। यहां से जब इधर जा रहे हैं माइनस से प्लस, तो प्लस 110, फिर नीचे आ रहे हैं प्लस से माइनस, तो बोलो माइनस 12। फिर करंट की डायरेक्शन राइट होने वाली है, राइट, तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन में जाऊंगा तो माइनस 5 × 0.5 I × R, और फिर मैं इसमें भी करंट की तरफ जा रहा हूं तो 5 × R के आगे नेगेटिव, लूप कंप्लीट हो गया, =0, निकाल लेना R आ गया। कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं है, बोले एक लूप घुमाओ, मिसिंग वैल्यू अपने बाहर आ जाएगी। तो समझ में आ रहा है क्या किया? तो आपने लूप लॉ लगा दिया जिसके अंदर आपने माइनस से प्लस गए तो प्लस 110 कर दिया, प्लस से माइनस गए तो माइनस 12 कर दिया, करंट राइट की तरफ जा रहा है, ये भी I × R नेगेटिव, ये भी I × R नेगेटिव, =0 आंसर। तो फॉर्मूला रजिस्टर में आपने नोट कर लिया चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में क्या फॉर्मूला लगने वाले हैं, कोई डाउट इसमें? तो ये क्वेश्चन करने का ये तरीका है, और क्या करना है आपको ये बात समझ में आ रही होगी, राइट? ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या निकालना था, कैपिटल आर क्या होगा। अब वो कह रहे हैं कि वॉट विल बी द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग के दौरान इसकी चार्जिंग हो रही है, वी कितना होगा। एक बात तो पक्की है, कितने लोग एग्री करते हैं 12 वोल्ट से ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी क्या हो रही है, चार्जिंग, चार्जिंग में ई प्लस आई आर, तो ई आपको पता है, आई आपको पता है, स्मॉल आर आपको पता है, 14.5 वोल्ट होगा, सही। अब मान लो एक मिनट के लिए, से मैं ये जरूरत नहीं है वैसे बता रहा हूं,
मान लो एक मिनट के लिए कि आपने कहा कि यार छोड़ कैपिटल आर के झंझट में क्यों पढ़ना है, प्रैक्टिकल करते हैं, कैपिटल आर उड़ा चाहिए ही नहीं। अगर तुमने कैपिटल आर उड़ा दिया यहां से, तो अब करंट क्या होगा? अब करंट की वैल्यू अगर आप निकाल लेंगे इसमें, तो नाइन जो भी करंट कैसे निकलेगा बता देता हूं। कैपिटल आर को उड़ा दो, इमेजिन करो कैपिटल आर वो कह रहा है कि चलो मत रखो ना रखो, ये करंट आई कर दो, तो फिर से किरचॉफ लॉ लगाओ, ठीक है, वो शॉर्टकट मारा हुआ है, किरचॉफ लॉ फिर लगाना पड़ेगा, माइनस 110 प्लस 110, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस 12 माइनस आई इंटू 0.5 इक्वल टू 0। जब तुम आई कैलकुलेट करोगे तो 196 एम्पियर आ रहा है, 196 एम्पियर। घरों में 2-3 एम्पियर करंट पे चलता है, ये सब कुछ मशीनें चल रही हैं, 2-3-4-5 एम्पियर से ऊपर नहीं, 196 एम्पियर। आपने पढ़ा है 10th क्लास में आई स्क्वायर आर टी, हीटिंग इफेक्ट, आई स्क्वायर आर टी का मतलब आई का स्क्वायर, 196 का स्क्वायर इंटू आर टी, इतनी हीट जनरेट होगी, आग लग जाएगी इसके अंदर, पक्की बात है। तो समझ में आ रहा है, मोबाइल को चार्ज करते हुए भी आग लग जाती है कभी कभी, क्योंकि करंट आई स्क्वायर आर टी ज़्यादा फॉलो हो जाता है, उसमें रेजिस्टेंस सही तरह लगी हुई चार्जर में तो गड़बड़ कर देगी। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है? ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज है, चाहिए नहीं है, ठीक? कोई डाउट इसमें?